नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ श्राद्ध के दिनों में करें ये पांच काम, आपके सभी दुखों का होगा अंत। प्यारे दोस्तों, श्राद्ध के समय हम अपने मृत बड़े बुजुर्गों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध का सामान्य अर्थ यह नहीं कि बड़े बुजुर्ग और पूर्वज हमारे साथ नहीं है, बल्कि हम उनको श्राद्ध देते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने मरे हुए पूर्वजों को सालों बाद भी इस तरह से पूजा करके हम हमेशा याद करते हुए अपने जीवन में उन्हें जीवंत रखते हैं। धर्मशास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्राद्ध के दिनों में पूर्वज अगर प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से बड़ी समस्याएं भी चुटकियों में दूर हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति की किस्मत का ताला खुल जाता है और वो अपने परिवार के साथ सुख संपन्नता का जीवन जीता है। अगर आप भी श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको ऐसे पांच काम है जो बताने जा रही हूँ जिनको करके आप अपने पूर्वज को हमेशा प्रसन्न रखेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं श्राद्ध के दिनों में पूर्वजों को कैसे प्रसन्न रखें। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। अगर आप श्राद्ध के दिनों में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो इससे आपके पूर्वज के अन्य जन्म के भी जो भी कष्ट है वो मिट जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अपने पूजा फल को अपने पितरों को अर्पित करें। इससे उनके कष्ट से उनको मुक्ति प्राप्त होगी और वो आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। गीता के सातवें अध्याय का करें पाठ। आप श्राद्ध के दिनों में घर में गीता जी के सातवें अध्याय का पाठ नित्य करें। आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य को यह पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गीता के सातवें अध्याय के पाठ को करने से पितरों को मुक्ति प्रदान होती है। यहाँ तक कि भगवान शिव जी ने भी श्री गीता जी के इस अध्याय के महत्व का जिक्र किया है। अगर आप श्राद्ध के दिनों में ये पाठ करते हैं और इसे अपने पूर्वजों को निमित्त करते हैं तो इसे पूर्वज प्रसन्न भी होते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं और आपके पूर्वजों को मुक्ति भी मिलती है। भूलकर भी किसी का दिल ना दुखाएं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि श्राद्ध के दिनों में भूलकर भी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में नारायण हमें अवश्य मिल जाते हैं। और श्राद्ध के इन दिनों में यह निश्चित रूप से होता है कि आपके पूर्वज किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने अवश्य आते हैं। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ब्राह्मण के अलावा भी जरूरतमंदों को कराएं भोजन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंसान के कर्म और दूसरों की सहायता करने से ही हमारे कर्म बनते हैं, वैसे हम सभी लोग तो पूरे वर्ष लोगों की सहायता नहीं कर पाते, परंतु श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों का नाम लेकर जरूरतमंदों की सहायता करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को भोजन कराएं, परंतु आप एक ब्राह्मण की जगह खाली पेट निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराकर अवश्य देखिए। आपको स्वयं इस बात का अनुभव हो जाएगा कि पूर्वजों की असली खुशी कहाँ पर है। खास तौर से निर्धन बच्चों को भोजन कराने से हमारे पूर्वज अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में भगवान का वास होता है। रोजाना सुबह शाम जलाए दीपक। आजकल के समय में नई पीढ़ी श्राद्ध के बारे में कुछ नहीं जानती। आज हम श्राद्ध को सही तरीके से नहीं मानते हैं। वास्तव में श्राद्ध कोई खुशी का त्यौहार नहीं होता, बल्कि यह दिन ईश्वर की याद के दिन होते हैं। इसलिए आप अपने घर के मंदिर में भगवान के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं और हो सके तो तुलसी में भी दीपक जलाएं, जिससे आपके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा बनी रहे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि आप इन सब बातों को मानकर अपने जीवन में अपने पितरों से आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।